नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने किया चोपटा में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। इसी दौरान अशोक तंवर ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में नहीं है कोई दूसरी पार्टी, कांग्रेस की एक तरफा जीत तय है। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, केंद्र व राज्य सरकार ने नहीं निभाए वादे, भाजपा प्रत्याशियों का हर जगह हो रहा है विरोध। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जी हां, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि लोग चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। डॉक्टर अशोक तंवर आज नाथूरीसरी चोपटा में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक तरफा जीत तय है, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार उनकी टक्कर में नहीं है। कार्यालयों की भागदौड़ और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पर अभूतपूर्व जीत होना तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी 1,00,000 वोटों से जीत का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वे 4,00,000 वोटों से पराजित होंगी। उन्होंने कहा कि किसानों की उम्मीदों पर सरकार ने कभी भी खरी नहीं उतरी। आज किसान धरने पर और प्रदर्शन के लिए मजबूर हो चुके हैं। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के नाम की आंधी चल रही है और भविष्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं पल-पल की एक खास रिपोर्ट। 30 दिन में रोज हम कांग्रेस करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह विरोध है, उनके कैंडिडेट का विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है, उनके नेतृत्व का विरोध है, और दूसरी तरफ कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ अग्रसर है। और मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों के सहयोग से, यहाँ आज भरत सिंह जी ने ऑफिस का उद्घाटन किया है, आज और दूसरे साथी हैं, पूर्व MLA, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सबका समर्थन और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, ये जीत, बड़ी जीत, अभूतपूर्व जीत इस संसदीय क्षेत्र में। आज तक कभी कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत नहीं होगी जितनी जीत इस बार ये सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो अच्छे संकेत है, बदलाव होगा, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कम से कम 3-4 लाख से वो हारेगी, तो 1,00,000 से जीतने में काफी हो जाएगा। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को एक तरफा जिताना है। आज केंद्र की सरकार बनानी है, तो इस हमारे मई को जो वोटों की गिनती होगी, 12 को जो वोट पड़ेंगे, और 3 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनानी, और दोनों हर वर्ग, किसान, गरीब, मजदूर, आड़ती, छोटा व्यापारी, दुकानदार, नौजवान, माताएं, बहनें, 36 बिरादरी कांग्रेस के समर्थन में है, और ऐसा समर्थन किसी और के पास नहीं है। हमारी भी जारी हो जाएगी, हमारी बनकर तैयार है, जारी करने का शेड्यूल ICC के पास होता है, लेकिन सारा पूरी कांग्रेस की लीडरशिप और सब लोग लगे हुए हैं। और आज एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा के अंदर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का सारा लेकर के अपनी वतनी पार करना चाहती थी, तो मैया डूब गई है मझधार में। इनेलो की तो बात ही ना करो, इनेलो वैसे तो हमारे सब लोग प्रिय है, लेकिन इस चुनावी दंगल में ना इनेलो है, ना भाजपा है, ना जनता है। हमारा मजबूत गठबंधन जनता के साथ है, और जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है।